तो शामिल है सर। गांव घर शांति चाहता है हमारा। आप लोग गए सर हम लोगों से पूछे कि इस गांव में किसी के ऊपर दुश्मनी है। हम लोग किसी का नाम तक नहीं लिए सर। प्रशासन को हम लोग किसी का नाम भी नहीं दिए सर। और ऐसी घटना घट गई 2 महीना पहले, विनोद की हत्या हो जाती है लाठी से पीट पीट कर। उसका आज तक सर, आज तक उसका 2 ही आदमी अरेस्ट हुआ 8 आदमी में सर। क्या वही लोग तो नहीं है इसमें सर? और इसी तरह हम लोग घर जाए और फिर तीसरी घटना हो जाए सर, हम लोग किस पर भरोसा करें? क्या न्याय दीजिएगा सर आप लोग? इस घटना में जो भी लोग शामिल हैं, 5 लोग शामिल हैं, इस घटना को स्वीकार किया। उनके निशानदेही पे जो है घटना से 100 बरामद हम लोग किए, और जिस मोबाइल से कॉल आया था उस मोबाइल को भी बरामद कर ले गया है। जो मोटरसाइकिल का यूज किया गया था उसे भी बरामद कर ले गया है। खलिहान से जो बोल देख के उसको बुलाया गया था, जहां से उसको उठा के ले गया, वो भी बरामद कर ले गया है। इसमें कुल 5 लोग हैं, उसमें एक बिहार आपका जो है तेतरिया सोनो जमुई का है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, घटना का पूरी तरह उद्भेदन हो गया है। मनसा पैसा का डिमांड था, ठीक है, लेकिन घटना के तुरंत बाद इसको जो है मार दिया जाता है। ठीक है, हमें सूचना मिलती है 7:30-8 बजे, तुरंत थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस कांड में जो भी लोग है गिरफ्तार किया, लेकिन इसको जान से उसी वक्त मार दिया गया। हमें भी अफसोस है, पूरी टीम को अफसोस है कि हम लोग जो है उसको जिंदा नहीं ला पाए, लेकिन वो तुरंत उसके मार दिया गया था। सर हम लोग ये जानना चाहेंगे सर, एफआईआर जो आप करेंगे सर, उसमें से कोई बचना नहीं चाहिए सर? और जितना जितना धाराएं हैं सर, भारत वर्ष के जितने धाराएं हैं सर, लगाए अपहरण का, लगाए मर्डर का, लगाए सर, और इसकी त्वरित फांसी हो सर, फांसी हम लोग मांग करते हैं सर, फांसी हो सर, फांसी हो सर। मैं उसको छोड़ूंगा जी सर, जी सर, बहुत निश्चित रहिए जी सर। खुद आया हूँ, खुद सारा चीज का लगा हुआ हूँ, मैं रात से मॉनिटर कर रहा हूँ केस में जो है। इसमें महेश वर्मा है, महेश वर्मा है ठाकुर महतो का बेटा, चचघरा का। अजीत वर्मा है, बसंत पंडित है, परवीन विश्वकर्मा है चरघरा का, और महेश वर्मा का बहन है शांतनु कुमार वर्मा है, जो त्रिलोचन मंडल उसका पिताजी का नाम है, तेतरिया सोनू का रहने वाला। ठीक है, ये पूरा केस का उद्भेदन हो चुका है। सारे लोग जो है पकड़ा गए, सारे लोग, सारे चीज बरामद हो गया है ना। यही है कि अफसोस है, इसको घटना के तुरंत बाद मार दिया गया। हमें 8 बजे जानकारी मिल रही है, लोग 7 बजे ही उनको घटना के तुरंत बाद मार दिया गया। बहुत घटना जो है, हमें भी अफसोस है कि बच्चे के साथ जो है ऐसा हुआ। हम लोग खुद अफसोस कर रहे हैं, यदि बच्चा एलाइव होता तो हम लोग हर हालत मेहनत किए, हम लोग धन्यवाद देते हैं। लेकिन सर ये घटना क्यों घटी? 2-2.5 महीना पहले इस बच्चे के चाचा की हत्या होती है। कोरोना का ये है, थोड़ा दीपक जी बैठ जाते सर। सर 2-2.5 महीना पहले इसके चाचा की हत्या होती है, विनोद शर्मा इसी बच्चे के चाचा है वो, और दो बूढ़े आदमी को अरेस्टिंग करने के बाद पुलिस शांत हो जाती है। शांत नहीं है पुलिस तो सर, वो अगर तौर पे जो भी दोषी है उसमें कार्रवाई होगी 100%। 2.5 महीना हम लोग भरोसा किए पुलिस पर सर, हम लोग चूं तक नहीं बोले। बड़ा बाबू ने कहा कि आप भरोसा रखो, हम लोगों ने कहा कि पुलिस ही मदद करेगी, पुलिस पर हम लोग भरोसा करिए पूरे, और हम लोग किए सर, अभी तक किए। लेकिन ये जब घटना हो गई तो अब हम लोगों को नहीं लग रहा है कि कुछ होगा। और जानना चाहेंगे सर, हम लोग पुलिस प्रशासन पर भरोसा करते हैं, घटना होती है तो हम लोग थाना आते हैं, और थाने के लोग और कहे करोगे रंगबाजी तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? ऐसे तो नहीं, अभी तो हम लोग के सामने हुआ सर, तब हम लोग यहाँ आके बोले नहीं, उनको माफी मंगवाइए। आप हम लोग हैं, हम लोग साथ, उनको अफसर अफसर है, उनका अफसर है, सबों का अफसर है, ऐसा नहीं है, उनको माफी मांगने बोलिए। यहाँ सुनिए, मेरी बात सुनिए, आज 6 महीना मेरा पोस्टिंग हुआ, आप सभी को हमको जानते हैं जी सर। कभी ऐसा लगा है कि किसी तरह का जो है वरीय पदाधिकारी से कभी अपेक्षा किया गया है? जो भी हमारे ऑफिस, एक एक फोन कॉल का मैंने रिप्लाई देता हूँ, नहीं है तो कॉल बैक करता हूँ, ऐसा नहीं है। धन्यवाद सर, उसी समय से हमारा कभी भी है, आप मेरा फोन नंबर रखिए, हमको कॉल कीजिए,
अगर किसी ने इस तरह का बोला है तो गलत किया है। ठीक है, एहसास कैसे होगा सर? जब हमने उनको कहा कि सर आपके बेटे के साथ होता था, आप क्या होते हैं? आप थाना आए तो धमकी दीजिएगा? अलग अलग जगह से आई है, मैं चिन्हित करता हूँ, हम लोग चिन्हते हैं उनको, हम लोग थाने का इंस्पेक्टर है, हम लोग तो बॉडी देखने गए थे, उनको आने बोलिए यहाँ। आप जानते हैं ना कि यहाँ पुलिसों पे कार्रवाई हो जाता है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, अभी तो जेल गया, देख रहे हैं, अभी तो केस हुआ ना, पुलिसों पे कार्रवाई हो जाती है, चिंता मत कीजिए। आप लोगों ने हमका संज्ञान दे दिया है ना, मैं तो हेडक्वार्टर से आया हूँ, आपने मुझे संज्ञान दे दिया है, मैं एक्शन लगाऊंगा। सर, संज्ञान दिया ना वो, पीड़ित परिवार करवाऊंगा, पीड़ित परिवार को यहाँ आने का हक है कि नहीं? थाने में आपके 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 अफसर अगर इस तरह से अगर पब्लिक को धमकाएंगे कैसे आएंगे यहाँ? आप जाएंगे थोड़ा सा पोस्टमार्टम में भेज देते हैं, इसके बाद आप लोग देख लीजिए ना, पाइए थाना, ही थाना आप ही लिखी है, थाना मेरा थोड़ी है, थाना आपके लिए पब्लिक दिलवाइए, उनको एहसास दिलवाइए, उसके बाद ऐसा बोला गया, उनको एहसास दिलवाइए। चलिए थोड़ा सा लेट होगा, ये लेट होगा, पोस्टमार्टम भी हम देख लीजिए, हम लोग एक आग्रह कर रहे हैं आपसे, सुने के साथ कर रहे हैं, एक आग्रह आपसे किए हम लोग, उनको बुलवाइए इंस्पेक्टर साहब को यहाँ। कौन इंस्पेक्टर साहब? नहीं है कोई, दूसरे हम लोग चिंता बगदर थे ना, जैसे ये लोग सर अपना मांग लेकर के जा रहे थे कुछ। कौन है बगदर से? बगदर से नवीन जी आए हैं, हम इंस्पेक्टर साहब तो उधर थे, अरे वहाँ बोले नहीं, सीढ़ी पर वाले बोले, ये तो बड़ा वो है। सर सर हमसे आपकी बात हुई थी सर, चलिए सुनिए सर, आपसे हमारी बात हुई थी सर, पहला मर्डर में आपने बोला भोले पर विश्वास रखिए और हम पर भरोसा करिए, हम लोग कुछ बोले सर? ढाई महीने से हम लोग एक फोन किए सर, लेकिन बाकी सर सर वो जो पहला मर्डर का जो लोग है, पहला मर्डर का जो ये है सर, सब साइबर क्राइम मर्डर है, आम रूप से बोल रहा है लोग चौक चौराहे की साइबर क्राइम मर्डर है, फिर भी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। एक बार आप आइए सर, एक बुलाइए, हम यहाँ पे जानने का प्रयास करेंगे कि सर जैसा जो दोषी थे उसको बरामद कर लिया गया है, सारा साक्ष्य यहाँ पे उपलब्ध हो चुका है, लेकिन सर वैसे लोग जो निर्दोष थे उनके जब किसी का बच्चा है, किसी का नाती है, उसका हत्या हो जाता, क्या कहेंगे सर परिजन को? आप क्या आश्वासन देंगे सर अभी? आप क्या क्या जैसे अभी जिनके घर के बच्चा थे सर, उनको इस तरह का हत्या हो गया और इस प्रकार की घटना आए दिन होते रहता है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे और दोषी को क्या कहना चाहेंगे? देखिए निश्चित तौर पे हम लोग कानून का रक्षा के लिए हैं, आज जिस पोस्ट में हम लोग हैं, जो खाकी वर्दी पहन ली है, निश्चित तौर पे कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए है। ये जो आप उद्भेदन देख रहे हैं, ये उद्भेदन हम लोग ने किया और जो भी दोषी है इसको हम लोग उचित कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, और मैं उस परिवार के साथ हूँ, चूंकि वो बच्चा है, अभी पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, उनकी हत्या हो गई, लेकिन इसमें पुलिस को समय नहीं मिला, उसका जब किडनैपिंग हुआ तुरंत एक घंटा में किया गया, उसका 5:30 बजे उनको उठाया जाता है, 4:30 बजे और उनकी हत्या 7 बजे किया जाता है, हमें 8 बजे सूचना मिलती है, त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जितने लोग थे यहाँ से लेकर बिहार तक हम लोगों ने गिरफ्तार किया, हम उस परिवार के साथ है। जैसे सर परिजन के द्वारा कहा गया था ये घटना पिछले बार भी हुआ था, लेकिन सिर्फ आश्वासन दे दिया गया? नहीं, बिल्कुल आश्वासन नहीं, उसमें भी गिरफ्तारी हुई है, गिरफ्तार हुई है, जो दोषी है, जो अन्य के भी होगी, किसी भी कीमत में नहीं बचेंगे, किसी भी कीमत लोग नहीं छूटेंगे, ठीक है, किसी भी कीमत में, किसी भी कीमत पर नहीं छूटेगा, बिल्कुल। देखिए कानून में थोड़ा सा अंधेर नहीं है, थोड़ा सा देर है लेकिन अंधेर नहीं है, सजा मिलेगी और पकड़ाएगा सारे लोग, आप निश्चिंत रहिए। प्रशासन के द्वारा हम लोग को जो है ना, सो जिस दिन से घटना की जानकारी मिली प्रशासन को, उस समय से पूरा सहयोग मिल रहा है, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, इस घटना में हम लोग साक्ष्य हैं, हम लोग सामने देखे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, प्रशासन के द्वारा कोई कोताही नहीं बरती गई, लेकिन शायद भाग्य में नहीं था, तुरंत जो सर लोग बोल रहे हैं कि तुरंत घटना घट गई जिसके कारण नहीं बचा पाए, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जब दो दो घटना एक ही परिवार में हुआ तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और ताकि दूसरा समाज में ऐसा घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो, ये हम लोग चाहते हैं। जो बचा हुए हम लोग, पिछले जो बचे हुए लोग अविलंब अरेस्ट करिए, इस जघन्य घटना में प्रशासन बिल्कुल जो दोषी है
जानते हैं उस पर निश्चित तौर पर भरोसा, बस पूरा भरोसा रखिए। तो सर पांचों की गिरफ्तारी हो गई है, पांचों की गिरफ्तारी। हम लोग सर चेहरा एक बार दिखा दीजिए सर, ये अभी छोड़ दीजिए, अभी काम करने दीजिए, काम करने दीजिए। काम जी बोलिए, शांति रहिए। सुनिए ना, इस जघन्य हत्याकांड में प्रशासन की भूमिका बहुत सराहनीय रहा है, हम लोग देखे हैं। लेकिन अभी जो उद्भेदन हुआ है, अभी हमारे पुलिस के पदाधिकारी ने बताया कि हम लोग काफी प्रयास किए और हम लोगों ने भी देखा, कोरोना है तो लोग मुंह नहीं ढका है, थोड़ा दूरी बना। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पिछले हत्याकांड में जो विनोद ठाकुर का हत्या हुआ था बीते अढ़ाई महीना पूर्व, उसमें मात्र 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और मैं प्रशासन से आग्रह करूंगा कि जितना जल्द हो सके उन 8 के 8 का गिरफ्तारी और इस घटनाक्रम में जो संलिप्त हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने में प्रशासन तो बता ही दिया। सर तो बोले कि उन लोग 5 को फांसी की सजा होगी, तो बस आप लोग को थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। तो सर अभी अभी पोस्टमार्टम में जाने दीजिए सर, 1 मिनट सर। जैसा कि ये घटना यदि उसको सजा नहीं दिया जाएगा, वैसे छोड़ दिया जाएगा सर, तो जानते हैं आए दिन घटना होती रहता है। सजा कैसे ही है जब जेल भेज रहा है, सेक्शन लग गया है सर। लोग तो कह रहे हैं कि 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, 5 आदमी को पिछले बार का 2 लोग सुपरविजन में काट नहीं जाएगा सर। कौन ये पांचों जेल जा रहा है, सुपरविजन कैसे कटेगा, क्या बात है आप, ये कैसे कटेगा? नहीं, 5 आदमी जेल जाएगा। जो दोषी है किसी भी कीमत में नहीं बचा, सीधा बात, बस एक की वर्ड है सर। थोड़ा सा भरोसा कर रहे हैं सर आप लोग, थोड़ा सा जानकारी रक्षक तो आप ही हैं, भरोसा तो हम लोग को करना पड़ेगा, हम लोग को तो भरोसा आप ही पर करना पड़ेगा सर। हजार तो अभी होगा सर, सामान हो गया तो उसी दिन हो गया, कॉपी दे दीजिएगा। वो अगवा में हुआ था, अभी उसका तो होगा। अगला अरेस्टिंग विनोद शर्मा वाला नहीं होगा सर, 8 दिन के बाद हम लोग जाम करेंगे सर। चलिए समय हम लोग को मैंने कुछ नहीं बोलिएगा, आप हमको समय दीजिए ना भाई। बिल्कुल सर, हमको समय दीजिए, 1 सप्ताह के अंदर नहीं करिएगा हम लोग करेंगे रोड जाम सर, उस समय हम लोग को नहीं बोलिएगा। जैसा कि आपने देखा कि ये जो घटना हुआ था, ये चचघारा से एक लड़के का गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे भानोड़ी के कुआं में मार करके डाल दिया गया था। और यहाँ के प्रशासन के द्वारा, जो जमुआ थाना प्रशासन है, इसके द्वारा उसको बरामद भी कर लिया गया और साथ ही साथ 5 जो दोषी थे उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसको लेकर के कड़ा से कड़ा सजा देने का भी मांग किया गया है और उसे सजा मिलेगा भी। तो सभी का जो भी यहाँ के परिजन थे, सभी का विश्वास जो था वो बना रहा और सारे लोग अब यहाँ से धरना पर से उठ चुके हैं और सभी लोग अब घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो यदि ऐसा हो तो सारे लोग जो परिजन हैं या फिर गांव के हैं, सभी का विश्वास थाना पर रहता है कि थाना से हमें एक अच्छा जवाब मिलेगा और जो दोषी हैं उसको कड़ा से कड़ा सजा मिलेगा। तो आने वाले अगले जो प्रयास करेंगे इस प्रकार के घटना करने का, उसके भी मन में संकोच होगा, डर होगा और घटना इस प्रकार का नहीं होगा। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस जो प्रशासन है वो इसी प्रकार से यदि काम करे तो आए दिन जितने भी घटना होते रहते हैं वो घटना कम हो पाएगा और हमारा समाज एक कदम आगे बढ़ पाएगा। तो इसी के साथ सफर नया भारत से नए जमुआ, नए झारखंड और नए भारत की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम।